इस फील्ड में ऐसी क्या बात है? वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, उसके बाद मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जाऊँ? आर्ट्स के बारे में मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे मैथ्स पसंद था। जो NID के फॉर्म भरना चाहता है, क्या क्राइटेरिया है? तो जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत होनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा, टफ होता है? कोई कोचिंग क्लासेस होती है इसके लिए भी, NID की प्रिपरेशन कराने के लिए? उसका इंटरेस्ट इस सब चीजों में है तो वो जरूर आगे आए और डिजाइनिंग में जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस भोपते शो में। और आज की हमारी मेहमान है मयूरी पाटनकर, जो अभी टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही हैं NID कॉलेज से, विजयवाड़ा से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। मयूरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मयूरी। सबसे पहले तो हम आपके कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपका कॉलेज जो है वो कहाँ पर है और किस प्रकार के वो कोर्सेज कराता है। मैं एक डिज़ाइनिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ और इसकी टोटल 5 ब्रांचेस है, जो कि है अहमदाबाद, विजयवाड़ा, जोरहाट, भोपाल और कुरुक्षेत्र में। तो इसकी पहले सिर्फ एक ही ब्रांच हुआ करती थी जो कि अहमदाबाद में थी, वो भी फॉरेनर्स ने ही खोली थी। अच्छा। फिर उसमें सिर्फ 100 सीट्स हुआ करती थी। एंड देन उसके बाद में मतलब कुछ सालों बाद, उसकी अभी 5 साल पहले जो जिस कॉलेज में मैं हूँ विजयवाड़ा का, उसकी ब्रांच आई। देन उसके 1 साल बाद कुरुक्षेत्र की आई। फिर इसी साल में 2 ब्रांचेस और खुली है, जो कि जोरहाट और भोपाल में है। अच्छा अच्छा। तो अब इसकी टोटल 400 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में 400 सीट्स हैं। हाँ। तो आप जो अभी टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रहे हो, आपकी जो ब्रांच है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसके बारे में कुछ आप बताइए। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, उसमें मतलब जो फैशन डिजाइनिंग होती है उसका हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में लेते हैं। अच्छा। जितने भी फैशन डिजाइनर्स जिन्हें आप जानते हैं, उनने मतलब टेक्सटाइल डिजाइनिंग की है, क्योंकि उससे हमें जो कपड़े और पैटर्न्स हैं उसकी डिटेल में जानकारी मिली जाती है। उसमें हम लोग खुद ही अपने कपड़ों को डाई करते हैं, खुद ही बनाते हैं। फैशन डिजाइनिंग में वो लोग इतना डीपली नहीं होता है। अच्छा। तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में वो हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है मयूरी। जो अभी टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही हो, इस कोर्स को करने का आइडिया आपको कब आया और कैसे आया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कोर्स करने के लिए? जब मैं छोटी थी मतलब 5th क्लास में थी, उस टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में एनिमल मतलब ऐसे जो भी स्टोरी बुक्स आती थी उसमें से एनिमल्स को देख के ड्राइंग किया करती थी। अच्छा। फिर मतलब हम तो भारत का झंडा बनाया करते थे उस उम्र में। फिर मतलब मम्मी पापा और बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो लोग आते थे, और फिर वो लोग मतलब बहुत प्रोत्साहित करते थे मुझे कि आप अच्छा कर रही हो। फिर जो भी आता था पापा उनको दिखाने के लिए बोलते थे, फिर वो लोग भी बहुत तारीफ़ करते थे। एंड धीरे धीरे मतलब ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। okay. और जब मैं 10th क्लास में थी तब मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में उतना नहीं पता था, मैंने सोचा था कि आर्किटेक्चर करूँगी। okay. फिर 12th में आते आते मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज आई, तो फिर सोचा कि फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए। एंड फैशन डिज़ाइनिंग के लिए फिर उसके बाद में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग देता है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। okay. तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में भी पता चला, और उससे मुझे टेक्सटाइल के बारे में पता चला। अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली 12th के बारे में आपने उसको कंटिन्यू किया कि आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग करनी है। हाँ। आपका 10th में कौन सा सब्जेक्ट था, मतलब 10th के बाद आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया? मैथ्स। मैथमेटिक्स लिया। क्यों लिया? क्योंकि पहले मुझे भाई बेसिकली आप तो एक आर्ट फील्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको उस समय, क्योंकि आपने कहा कि आपको शुरुआत से प्रोत्साहित किया था कि आप अच्छी ड्राइंग करते हो और ऑल, तो आप उस समय आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, उसके बाद मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जाऊंगी? आर्ट्स के बारे में मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे मैथ्स पसंद था इसलिए मैथ्स लिया। उसको एक बैकअप के तरीके से भी लिया था कि अगर, पहले मुझे पता नहीं था डिज़ाइनिंग के बारे में कि डिज़ाइनिंग होती क्या है, तो मैंने सोचा था आर्किटेक्चर लूँगी, तो उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए मैथ्स लिया था। अच्छा अच्छा। तो फिर मूड चेंज हो गया है ना, फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे नॉलेज आती गई डिज़ाइनिंग की, तो फिर उसी फील्ड की तरफ। तो आपने, आप जो बता रहे थे, आपने 12th के बाद में कौन सा एग्जामिनेशन, इसका इस कॉलेज में एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ। तो कोई ना कोई तो आपने इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, जैसे आपने बताया ओनली 400 सीट्स है, सिर्फ आपकी ब्रांच की बात कर रहा हूँ ना, टेक्सटाइल डिजाइनिंग की ऑल ओवर जो कॉलेज है उसमें, ऑल ओवर कॉलेज की जितनी उसकी ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस मिला के, सभी कोर्सेज मिला के 100 सीट्स है, 400 सीट्स है, तो टफ कॉम्पिटिशन होता होगा। तो सर कौन सा एग्जामिनेशन होता है?
मतलब मैंने एनआईडी के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। एनआईडी का मतलब एनआईडी के नाम से ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, यदि कोई बच्चा करना चाहे तो वो एनआईडी का एग्जाम दे सकता है। तो इसके फॉर्म वगैरह कब निकलते हैं, कब इसका एग्जामिनेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या ऑनलाइन एग्जाम होते हैं या जा करके किस प्रकार के? इसके मतलब इसके फॉर्म निकलते हैं सितंबर नवंबर तब तक निकल जाते हैं, और इसके टोटल दो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत होनी चाहिए, प्लस आपको दो एग्ज़ाम्स होते हैं प्री और मेंस टाइप से। अच्छा, तो एक होता है जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था मेरा, तो उसमें हमें जनरल नॉलेज प्लस ड्राइंग ये दोनों आए थी चीज़ें। एंड उसको पास करने के बाद में देन हम लोगों ने फाइनल दिया था जो कि मई में हुआ था, तो उसमें आपको मॉडल मेकिंग हाँ। अच्छा, मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जाम था, सेकंड वाला प्रैक्टिकल एग्जाम था, प्लस इंटरव्यू भी हुआ था उस। अच्छा, उसमें इंटरव्यू भी हुआ था, तो फिर आपका उस पर सिलेक्शन हुआ, मतलब टॉप 400 लोगों में आप चुन के आए हो ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छी बात है। एक बात मुझे आप और बताइए कि जो एनआईडी के फॉर्म भरना चाहता है क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, कोई एज क्राइटेरिया है, कोई पर्टिकुलर मतलब सिर्फ मैथ स्ट्रीम वाला भर सकता है, कोई भी स्ट्रीम वाला भर सकता है यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है? नहीं, उसे कोई भी स्ट्रीम वाला भर सकता है, बट चाहे वो कॉमर्स का हो, बायोलॉजी का हो, कोई भी भर सकता है। 12th के परसेंटेज 40 या 50 से ऊपर होने चाहिए। अच्छा, 40-50 से ऊपर होना चाहिए, बाकी किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करता है वो एनआईडी के एग्जामिनेशन दे सकता है। तो आपको कैसा लगा, टफ होते हैं, कोई कोचिंग क्लासेस होती है इसके लिए भी, एनआईडी की प्रिपरेशन कराने के लिए? इसकी डिजाइनिंग, ओवरऑल डिजाइनिंग की बात करें तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं जो इसकी प्रिपरेशन करवाती है। तो कुछ ऐसे जैसे आपका सिर्फ एक ही टारगेट है कि एनआईडी में जाना है, तो उसकी भी एक होती है कोचिंग। और अगर आप बहुत सारे कॉलेज को लेके चल रहे हैं कि मेरे को ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, पास होने पे देखते हैं कि किस में जाएंगे, तो ऐसे कंबाइंड क्लासेस भी होती है उसकी। क्योंकि आपने 10th के बाद में मैथमेटिक्स लिया और आपके दिमाग में था कि आपको आर्किटेक्चर करना है, तो फिर उसके बाद में आपने सडनली टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने का डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन लेने के दौरान और फील्ड चूज करने के दौरान क्या कुछ ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे, मतलब अपने घर वालों को मनाना, क्योंकि आप मैथमेटिक्स का तो सबको ही सोचता है कि आप इसको इंजीनियर बनाना है, आर्किटेक्ट बनाना है, ये तो एक डिफरेंट फील हो जाती है आर्ट्स के क्षेत्र में, है ना? तो क्या आपके सामने ऐसे कुछ चैलेंजेस आए, किसी को मनाना पड़ा या इजीली मान गए सब लोग? मम्मी पापा तो इजीली मान गए थे, मैंने एक बार पापा को बोलते हुए सुना था कि इंजीनियरिंग करवानी है, बट उन्होंने मुझसे कभी डायरेक्टली ये नहीं बोला, पर जब उन्हें पता चला कि मुझे फैशन या टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है तो वो इजीली मान गए थे। तो आपने किसी से गाइडेंस लिया इसके बारे में, आपको किसी ने गाइड किया कि आप यदि आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग करनी है तो आप एनआईडी कॉलेज से करो, कई लोग तो प्राइवेट कॉलेजेस से भी करते हैं? पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो उसी टाइम पे मैंने इसके फॉर्म भरे थे, बट मेरे फिजिक्स प्रैक्टिकल के कारण मैंने उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, मतलब मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ, तो उस टाइम पे मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म भर दिया था। अच्छा। और उसका डोनेशन भी दे दिया था। अच्छा, अरे बाप रे। फिर उसके बाद में हम लोग इंदौर गए थे एंड वहाँ रिलेटिव से बात की, तब उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया कि गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे होते हैं। मैं मतलब ये सोच के चल रही थी कि गवर्नमेंट में शायद पढ़ाई अच्छे से हो या ना हो, बट उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो कॉलेजेस अच्छे होते हैं। एंड फिर मम्मी भी थी, वो भी मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, हम लोग साथ में मिलके बहुत सारा काम करते हैं फैशन को लेके, घर में कपड़े सिलते हैं एंड डिज़ाइन करते हैं, तो उससे मुझे हेल्पफुल हुआ थोड़ा। हेल्पफुल मतलब आपने खुद ही अपने स्टफ जो है आपने खुद ही जानकारी एकत्रित करी उसकी, किसी से आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया एंड और फिर आपने उस फील्ड को चूज़ किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस फील्ड में ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको एक्साइट किया इस फील्ड को चूज़ करने के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी? जैसे लोगों को शाहरुख खान की स्माइल पसंद है, एक रीज़न है ना कि स्माइल अच्छी है इसलिए उनको शाहरुख खान पसंद है, किसी को उसकी एक्टिंग पसंद है इसलिए शाहरुख खान पसंद है, तो आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ऐसा क्या दिखा जिसने आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट किया? मेरे को बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री जो है, अच्छा, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उसमें जितनी भी मॉडल्स होती है, जितनी भी एक्ट्रेसेस होती है, मतलब जब हम लोग टीवी देखते हैं तो मेरा ध्यान उनके आउटफिट्स पे ज़्यादा जाता। अच्छा। है वो लोग किस तरह के चैलेंज फेस करती है उस चीज़ को लेके, और
बेसिकली वैसे तो ये गुण तो मेरे ख्याल से महिलाओं में होता भी है कि एक दूसरे के आउटफिट्स को ज्यादा देते हैं राधर देन मैन. मैन तो सोचते हैं कि उनके सबके कपड़े तो एक जैसे ही होते हैं, जस्ट अ जोक अपार्ट. तो मतलब उनके जो ड्रेसअप हुआ करते थे फीमेल्स के, और फिर मैं खुद की भी डिजाइनिंग किया करती थी घर पे. अच्छा. तो अपने आउटफिट्स भी मैं खुद ही डिजाइन करती थी. पेन मतलब कभी कॉपी पे बनाती थी या फिर कभी मम्मी को बोलती थी कि मुझे इस तरह का पसंद है. तो हम लोग मेरे मतलब जो कपड़े हम लोग लाते थे वो बहुत लूज हुआ करते थे. तो अच्छा. हम लोग उसको घर पे ही ऑल्टर किया करते थे. अच्छा, अच्छा, एंड फिर उसमें कुछ टचअप भी देते थे अपनी तरफ से. तो इसी से आपकी मम्मी ने मुझे बताया था कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कुछ शादी के फंक्शंस के भी शायद आपने उनके कपड़े डिज़ाइन किए थे, क्या पहनना चाहिए कैसे पहनना चाहिए. खरीदने के बाद में फिर आप उसको अपने तरीके से आप डिज़ाइन करती थी उसमें. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. मयूरी एक चीज़ ये बताइए कि देखिए हर कोई बच्चा पढ़ाई इसलिए भी करता है, एक तो पैशन के तौर पर भी करता है और ज्ञान अर्जित करने के लिए भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे चल के उस चीज़ से इनकम जो है वो जनरेट करना चाहता है. तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, इसमें करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मतलब आपने क्या सोचा कि आप इसमें किस तरीके से करियर बनाओगे, किस तरीके से आप इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करोगे? तो पहले मेरा एम था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, एंड उसमें मुझे इतना नहीं पता था कि और भी चीज़ें होती है. मेरा सिर्फ फोकस ड्रेस डिज़ाइनिंग उस चीज़ पे ज़्यादा था. एंड देन उसके बाद मैंने टेक्सटाइल के बारे में जाना, तो हम लोग रॉ मटेरियल से भी उससे खेलने लगे. टेक्सटाइल का पैकेज 15 लाख से स्टार्ट होता है. अच्छा, जब मैं पास आउट हूँ तो उसे जो कैंपस इंटरव्यूज जो होते हैं, यदि आपकी कहीं यदि जॉब आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो लगभग उसका जो मिनिमम पैकेज वो 15 लाख से स्टार्ट होता है. एंड हमारे इंटर्नशिप्स जो है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं. एंड कितने साल का कोर्स है ये? ये 4 साल का कोर्स है. 4 साल का कोर्स है. तो इंटर्नशिप इसकी कब से शुरू होती है? थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है. एंड फिर हमें फाइनल प्रोजेक्ट मिलता है जिसके लिए हमें कॉलेज में 1 साल और कॉलेज को सबमिट करना पड़ता है फाइनल. तो फिफ्थ ईयर भी लग ही जाता है. तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिन्हें इंटर्नशिप में अच्छी जॉब का ऑफर आ जाए तो वो अपनी डिग्री छोड़ के चले जाते हैं. अच्छा, इंटर्नशिप के दौरान ही उनको जॉब का ऑफर आ जाता है? क्योंकि हमारी फील्ड में डिग्री को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना एक्सपीरियंस को दिया जाता है. स्किल्स को भी दिया जाता है, यदि बच्चा सीख गया है, यदि वो डेवलप करने लग गया है तो फिर उसको कंपनी जो डायरेक्ट ऑफर करती है. किस प्रकार की जो लोग हैं आप लोग को जॉब ऑफर कर दे, किस प्रकार की कंपनी जॉब ऑफर करती है? हमें मतलब जो भी विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं, हमारे कॉलेज में परमानेंट फैकल्टीज भी होते हैं और विजिटिंग भी आते हैं. जो जिनका प्रोफेशन टीचिंग का नहीं होता है, वो लोग डिफरेंट चीज़ें भी, जिनके स्टूडियोज़ है एंड जिनकी कंपनीज है, वो लोग भी हमें पढ़ाने के लिए आते हैं. अच्छा, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है. वो भी हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें हमारे बारे में मतलब पता होता है कि हमारी कितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है करने की. तो वो लोग भी हमें वहाँ पे देखते हैं और फिर डिफरेंट हम लोग डिफरेंट कंपनीज में भी अप्लाई करते हैं, स्टूडियोज़ में भी अप्लाई करते हैं. फिर मतलब बेसिकली जो आपके जो लेक्चरर्स जो आते हैं, गेस्ट फैकल्टीज जो होती हैं, वो पढ़ाने के दौरान ही आप लोगों के ऊपर उनकी नज़र होती है कि कौन कौन सा बच्चा है, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो जाकर के फिर रिकमेंडेशंस देते होंगे आपकी कि आप यदि हायर करना चाहते हैं तो इस कॉलेज से इस बच्चे को आप हायर कर लीजिए. बहुत अच्छी बात है. आपकी कैंपस लाइफ जो है आपके कॉलेज की, NID की, कुछ उसके बारे में बताइए. मतलब कैसा कैंपस है, आप इंजॉय करते हो वहाँ पर, क्या कैसा फ्रेंड सर्कल्स है, पूरे देश भर के बच्चे वहाँ पर होंगे, कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कितना मज़ा आता है वहाँ पर, क्या करते हैं? हमारा जो कैंपस है वो अभी मतलब पूरा बना नहीं है, तो हम लोग ट्रांजिट कैंपस में हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हमें एक ब्लॉक दिया गया है. और जो हमारा हॉस्टल है वो IGM एक सोसाइटी है रेंट्री पार्क करके, वहीं पे वहाँ पे हम लोगों को फ्लैट्स दिए गए हैं रहने के लिए. अच्छा. तो और हमारे कॉलेज में मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जम्मू कश्मीर से, ईस्ट से, साउथ से. तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है. तो मज़ा आता होगा ऐसे अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ में रहने में, मिलने में. मतलब आपको तो ऑल ओवर इंडिया पूरे कॉन्टेक्ट बन गए होंगे अभी सबके साथ. हम लोग जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया के ही करते हैं. अच्छा. मतलब अलग अलग कल्चर्स को भी जानने को मिल रहा है, अलग अलग लोगों को भी पहचानने को.